एमएस एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स की के बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट्स है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक मार्कशीट पे लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से इस रो को सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ हम स्पेस बार जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जिस सेल पर आपने कर्सर को क्लिक किया हुआ था वो रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। आप चाहते हैं इन दो तीन रो को सेलेक्ट करना, 3, 5 और 4 को, तो शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखे थे तीनों की तीनों जो रो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार का प्रयोग हम कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे डेट का कॉलम है, मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो कंप्लीट कॉलम है वो यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो इस टेबल में डेटा है कंप्लीट कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की जैसे ही प्रेस करते हैं आपका जो इस कॉलम में कंप्लीट जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, मैं चाहता हूं कि जो मेरी कंप्लीट टेबल है वो सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो कंप्लीट जो आपका डेटा है टेबल में वो राइट लेफ्ट साइड का आपका सेलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग है कंप्लीट वो सेलेक्ट हो जाए, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपकी जो हेडिंग है वो सेलेक्ट हो जाती है। आप कर्सर को जहाँ पर रख देंगे, मैंने 9 के लास्ट सेल पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ कंप्लीट हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम अप एरो की प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से एक्सेल के अंदर अपनी टेबल को सेलेक्ट करने का, कॉलम और रो को सेलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग शॉर्टकट्स है। अब मैंने क्या किया, इस कंप्लीट डेटा को जो इस कॉलम में है मुझे यहाँ तक ये सिलेक्ट करना है एक साथ, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट में डाउन एरो की प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे आप जैसे ही कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आप लास्ट वाले सेल पर आप आ जाते हैं। आप चाहते हैं आपका डेटा सेलेक्ट रहे और आप फर्स्ट सेल पर आप पहुंच जाएं जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था और आपका डेटा भी सिलेक्ट रहेगा। तो कंट्रोल के साथ हम बैक स्पेस जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो कंप्लीट डेटा है अभी भी वो सेलेक्ट है। तो आपका जो कर्सर है, जो आपका सिलेक्शन है, वो इनिशियल पॉइंट पर बैक स्पेस से आप आ सकते हैं जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना। कंट्रोल के साथ F9 से हम रो को हाइड करने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं इन रो को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ जो मुझे प्रिंट में नहीं निकालनी है, तो कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही 9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपने रो जो सेलेक्ट कर रखी थी वो यहाँ पर हाइड हो जाती हैं। और आप चाहते हैं जो आपकी रो हाइड है उनको वापस अनहाइड करना, तो उसके लिए अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पैरेंथिसिस ब्रैकेट, यानी कि दोबारा से फिर से आपको वही की प्रेस करनी है। मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो रो हाइड है, आप नंबर देखेंगे 4 के बाद सीधा 8 हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि मल्टीपल जो हाइड आपने रो कर रखी है एक साथ सभी रो अनहाइड हो जाए, तो उसके लिए आप सीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 दोबारा से आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो जितनी भी रो आपने अलग अलग जगह पर आपने हाइड कर रखी होंगी पूरी सीट में, वापस वो अनहाइड हो जाती हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। अब मैं कंट्रोल प्लस पेज अप की का प्रयोग
सीटों पर आगे आने के लिए प्रयोग करता हूं और कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करता हूं तो मैं वापस अपनी उसी सीट पर आ जाता हूं। जो आप सीट पर पहुंचने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप की करेंगे तो आप आगे की सीटों पर पहुंच जाते हैं, और जो आपने बाद में जो सीट ऐड करी है उन पर आगे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप कंट्रोल पेज डाउन से आप आगे की सीटों पर यानी जो पीछे आपने सीट ऐड की पर पहुंच जाते हैं। कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रोफ, अब कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हम जैसे यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे यहां पर कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रोफ प्रेस करता हूं तो ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ था जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू सेम नीचे कॉपी हो जाती है। अब देखिए यहां पर आपने कोई भी वर्ड आपने टाइप किया सिटी, अब मैं जैसे कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं अपना एपोस्ट्रोफी तो आप देखेंगे ऊपर की जो वैल्यू है सेम टू सेम नीचे कॉपी हो जाती है, और इसी प्रकार से आपका जो फॉर्मूला लगा हुआ था वो नीचे आ गया है। आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला ना आए, सिर्फ वैल्यू ही नीचे पेस्ट हो, तो उसको लिए जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एपोस्ट्रोफी। और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है सेल के अंदर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एपोस्ट्रोफी जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस बार ओनली वैल्यू पेस्ट होगी, कोई भी फॉर्मूला जो आपने ऊपर लगा रखा है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे ऊपर एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर नीचे जो आपकी एज ए वैल्यू यहाँ से फंक्शन आपका हट जाएगा, सिर्फ आपकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल F1 का प्रयोग हम रिबन बार को हाइड करने के लिए करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैं कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ आपकी रिबन बार वापस आपको शो होने लगती है, और दोबारा F1 प्रेस करेंगे फिर से वो हाइड हो जाती है, और यही काम आप किसी भी टैब पर माउस की लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करते हैं तो आपकी रो यहाँ पर रिबन बार हाइड हो जाएगा, और दोबारा शो कराने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन को, तो आप दोनों तरीके यहाँ पर अपना सकते हैं रिबन बार को शो और हाइड कराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ F2, अब कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग हम प्राय प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए करते हैं। जितने भी आपको पेज प्रिंट करने हैं यहाँ पर, कौन सी वर्कबुक प्रिंट करानी है, कौन से प्रिंटर से करानी है, वो सारे प्रिंटिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए होते हैं जिनका आप प्रयोग करके आप अपना प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं और अन्य सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। वापस जाने के लिए मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करूँगा, अपने पेज पर मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ F3, अब कंट्रोल के साथ F3 का प्रयोग हम डिफाइन मैनेजर करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस जो हमारे यहाँ पे नंबर है अकाउंट्स के जो नंबर है इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पर न्यू पर आपको जाना है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अकाउंट्स यहाँ पर पहले से आ गया है तो यहाँ पर मैं अकाउंट ही नेम रहने देता हूँ और स्कोप को मैं वर्कबुक कर देता हूँ, इसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा और मैं इसे क्लोज बटन को कर देता हूँ क्लोज। अब मुझे यहाँ पर अपनी अन्य सीट पर अकाउंट का मुझे सम चाहिए या फिर किसी अन्य सेल पर मुझे सम चाहिए, अब मैं अन्य सीट पर आ गया हूँ, मैंने न्यू वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट की और मैंने यहाँ पे इक्वल टाइप किया और यहाँ पे सम फंक्शन हमने इंसर्ट किया, मुझे यहाँ पे अकाउंट का सम चाहिए तो यहाँ पर ए डबल सी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपने यहाँ पे डिफाइन नेम मैनेजर अकाउंट्स के जो नंबर का वहाँ पे ऐड किया था आप इसको डबल क्लिक करें इंसर्ट कराने के लिए, और मैं यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर उनका सम निकल के आ गया है। तो डिफाइन नेम मैनेजर का आप सीट का भी एक नेम डिफाइन कर सकते हैं और अपने इस टेबल को आप अन्य सीट पर डेटा को वीलुकअप के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आप किस प्रकार से सम भी निकाल सकते हैं और आप इसे वीलुकअप के लिए, एच लुकअप के लिए, लुकअप के लिए भी अपने टेबल का आप डिफाइन नेम मैनेजर कर सकते हैं और आप फिर इसे अन्य सीट पर भी इस सीट का आप आसानी से यूज कर पाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+F4। Ctrl+F4 का प्रयोग प्राय फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। Ctrl+F10 जो है विंडो को रिस्टोर करना और मैक्सिमाइज करने के लिए हम Ctrl+F10 का प्रयोग करते हैं। Ctrl+F12, अब मैं Ctrl+F4 का यहाँ पे प्रयोग करूंगा और उसके बाद Ctrl+F12 का हम प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको सेव पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो विंडो है वो तो ओपन है, परंतु आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ से सारी की सारी क्लोज हो चुकी है। वर्कबुक भी आपके यहाँ पे अभी ओपन है। मुझे वापस उस फाइल को ओपन करना है तो मैं कंट्रोल के साथ F12 की मैं प्रेस करूँगा और जो मेरे यहाँ पे शॉर्टकट्स जो मैंने बनाए हुए थे मैं यहाँ से उन फाइलों को फिर आसानी से ओपन कर सकता हूँ, जो भी फाइल मुझे यहाँ पे ओपन करनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल जो है वो वापस आ गई है। अब मैं अपनी पुरानी फाइल को ओपन करूँगा, वापस मैं अपनी फाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को एक बार मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। अब देखिए मेरी फाइल यहां पर वापस आ गई है। तो Ctrl+F12 का प्रयोग आप फाइल को, जो पुरानी फाइल आपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर रखी है वो फाइल आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी, जिस भी लोकेशन पे, जिस ड्राइव में, जिस में भी आपने उनको सेव कर रखा है वो सारी लोकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो इस प्रकार से आप उन फाइलों को आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है Alt+Equal। Alt+Equal का प्रयोग एक्सेल में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट्स है। Alt+Equal का प्रयोग हम प्राय अपने नंबर का सम निकालने के लिए करते हैं। मान लीजिए मुझे इन सभी नंबर का यहाँ पे सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे Alt+Equal में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इन सभी के यहाँ पे सम निकल के आ गया है। इसी प्रकार से आप कॉलम वाइज भी सम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इनको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और Alt+Equal में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम वाइज भी सम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप फार्मूले को एडिट करना चाहते हैं तो उसको आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे इसमें कम्प्लीट कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट से Alt+F1, अब मैं इस मार्कशीट का चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से नेम के साथ मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं Alt के साथ F1 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट हो गया है, जो कि शॉर्टकट तरीके से आप आसानी से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि चार्ट को चेंज करना चार्ट का टाइप, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको लाइन पाई चार्ट, यहाँ पे अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो आप इसे आसानी से पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्ट के आपको स्टाइल मिलेंगे तो आप इन स्टाइलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अन्य स्टाइल हमें दे रखे हैं तो आप इन स्टाइल का भी यूज करके अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे क्विक लेआउट के अंदर चार्ट के आपको अन्य ऑप्शन भी दे रखे हैं, जिसमें आप इसके लेआउट को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+0। Ctrl+0 का प्रयोग हम कॉलम को हाइड करने के लिए करते हैं। जैसे मैं इस डेट वाले कॉलम को हाइड करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ मैं 0 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहां से डेट का जो कॉलम है वो हाइड हो गया है। और कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको करना होगा शीट को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद आपको ऑर्गेनाइज शीट के अंदर आपको विजिबिलिटी पे जाना है और यहाँ पे अनहाइड कॉलम का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सीट में जितने भी कॉलम आपने अनहाइड कर रखे थे वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पर वो फिर से अनहाइड हो जाएंगे और वो वापस आपको फिर से विजिबल हो जाएंगे, फिर से आपको दिखाई देने लगेंगे। तो Ctrl+0 का प्रयोग कॉलम को हाइड करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट्स नहीं है जिससे हम कॉलम को अनहाइड कर सकें, उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पर इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, तो तीन ऑप्शन नीचे हमें दिए हुए हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है F2। फंक्शन की F2 का प्रयोग हम किसी भी सेल को एडिट करने के लिए करते हैं, जो कि एक्सेल में सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सेल को एडिट करने का। जैसे मैं जतिन पर क्लिक किया और उसमें मुझे कुमार ऐड करना है तो फंक्शन की हम F2 प्रेस करेंगे, उसमें मैंने यहाँ से कुमार इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेल को आसानी से
जरूरत पड़ने पर उसे आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद है अगला जो शॉर्टकट्स है, वो रिपीट हो गया है दोबारा। अगला जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ राइट एरो। अब मैं लास्ट नंबर के कॉलम पे जाना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करूंगा जो कि XFD है, यानी कि 16384 नंबर का ये कॉलम है। वापिस आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वापिस आप अपने उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से आप गए थे। इसी प्रकार से आप यदि कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आप लास्ट रो पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मैं लास्ट नंबर ऑफ रो पे आ गया हूं, जिसका नंबर है 1048576। वापिस जाने के लिए ऊपर कंट्रोल के साथ पेज अप की हम प्रेस करेंगे तो इन शॉर्टकट्स का प्रयोग करके आप लास्ट नंबर ऑफ कॉलम, लास्ट नंबर ऑफ रो पे आसानी से स्किप कर सकते हैं, आप वहां पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का प्रयोग प्राय कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं डेटा को सेलेक्ट करने के। कंट्रोल ए एक्सेल सीट में दो तरीके से वर्क करता है आपका। अगर आपने किसी ब्लैंक सेल पे कंट्रोल ए कर दिया तो कंप्लीट सीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है, और यदि आपने टेबल के किसी सेल पर क्लिक कर दिया और यहां पे कंट्रोल ए आप प्रेस करते हैं तो सिर्फ आपका यही डेटा सेलेक्ट होगा जो कि इस टेबल के जो एडजेसेंट सेल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी आपकी जो कंप्लीट जो सीट है वो सेलेक्ट नहीं होगी। दोबारा से कंप्लीट सीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट सीट है वो दोबारा से सेलेक्ट हो जाएगी। और इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप रो एंड कॉलम के बीच में आए और यहाँ पे एक एरो दे रखा है, इस पर आप क्लिक करें तो आप कंप्लीट सीट को डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ स्टार यानी मल्टीप्लाई हम प्रेस करेंगे तो ये भी करंट डेटा जो टेबल में हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ या तो हम ए प्रेस करें या फिर कंट्रोल के साथ मल्टीप्लाई भी हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या है कि हमारा, और वो भी नंबर पैड वाला मल्टीप्लाई आपको यूज करना है, अल्फा नंबरिक वाला आपको यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ नंबर पैड पे जो मल्टीप्लाई है जो कीबोर्ड में दिया होता है आप उसको यूज करेंगे तो आपकी जो टेबल का जो डेटा है वो सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्टार का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर का प्रयोग हम अपने सेल को रैप टेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ, इसके नीचे मुझे एक लाइन और ऐड करनी है तो ऑल्ट एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शॉर्टकट तरीके से और यहाँ पे मैं टाइप कर दिया एक्सेल क्लासेस और एंटर मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपने जो इस सेल में डेटा राइट किया था वो रैप टेस्ट हो गया है। अब आप चाहें तो इसको विड्थ को आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को आप आसानी से फिर माउस के द्वारा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल्ट एंटर एक ऐसा शॉर्टकट है जो पूरी लाइफ टाइम एक्सेल पर काम करते समय हमेशा आपको काम आएगा, क्योंकि एक्सेल में अधिकतर फॉर्मेटिंग हम ऑल्ट एंटर का प्रयोग करके ही करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग प्राय हम किसी भी सेल के बारे में हमें नोट ऐड करना है या कमेंट हमें अप्लाई करना तो शिफ्ट के साथ हम F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक नोट्स का एरिया आ गया है। आप इसमें चाहें तो यहां पर आप इसमें कोई भी कमेंट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है, अगर आप कमेंट चाहते हैं यहां से कमेंट को हटाना है, रिमूव करना है तो आप यहां पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर डिलीट कमेंट का ऑप्शन दिया होता है तो आप कमेंट को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग एक्सेल में फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। मैं इसको एक बार यहां से डिलीट कर देता हूं और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूंगा। जो भी फंक्शन आपको चाहिए उसको आप यहां ऊपर टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स के अंदर। मैं यहां पे सम फंक्शन चाहता हूं और मैं गो पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सम से रिलेटेड सारे फंक्शन का ड्रॉप डाउन आपको यहां पर स्क्रॉल बटन एक दिखाई देगी, जो भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं। मैं सम पर क्लिक करूंगा, ओके पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर C2 से F2 इसने रेंज को अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका एक सेल का सम तो आ गया है परंतु मुझे सभी का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे तो मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जहाँ तक हमारा स्टूडेंट के मार्क्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग अपने डेटा को कट करने के लिए हम करते हैं। मैं शिफ्ट डिलीट प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप डेटा को जहाँ पर एंटर कर देंगे जिस सेल के ऊपर वहाँ पर आपका डेटा आसानी से पेस्ट हो जाता है। तो एंटर का प्रयोग हम कंट्रोल वी की बजाय सीधा हम कीबोर्ड से एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका डेटा आसानी से उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा जहां पर आपने अपने कर्सर को क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस टू। कंट्रोल टू का प्रयोग हम प्राय डेटा को बोल्ड करने के लिए करते हैं। एक बार मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सा टू प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो डेटा है वो अनबोल्ड हो गया है, और कंट्रोल सा टू प्रेस करेंगे तो डेटा आपका वापस बोल्ड हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस थ्री। कंट्रोल प्लस थ्री का प्रयोग हम डेटा को इटैलिक करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ थ्री प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्ट डेटा है वो यहाँ पे इटैलिक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के साथ फोर। कंट्रोल के साथ फोर का प्रयोग हम प्राय डेटा को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। इस रेंज को मैं करूंगा सेलेक्ट और कंट्रोल साथ प्रेस करेंगे फोर की तो आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएंगी। जिनको भी जिस सेल को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप कंट्रोल यू का प्रयोग करके एक इंडिकेट करा सकते हैं कंट्रोल यू का प्रयोग करके, और कंट्रोल फाइव का प्रयोग करके हम स्ट्राइक के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई डेटा रॉन्ग इसमें टाइप हो गया तो उसको आप डिलीट ना करके उस सीट में उसको आप यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, उसको आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन ऑप्शनों का आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी का प्रयोग हम अपने डेटा को पेस्ट स्पेशल ऑप्शन अप्लाई करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमारा इससे ओपन होगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैं इस टोटल के कॉलम को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पे जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो यहां देखेंगे आपका जो डेटा है वो यहां पर पेस्ट आपका हो गया है, परंतु ये एक अलग फॉर्मेट में आया है। इसको मैं यहां से सिंपल हम यहां पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट पेंटर पे जाएंगे और हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे इस डेटा को तो आप देखेंगे यहां पर आपका सम जो है वो आ जाएगा। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, यहां पर गलत डेटा हमारा आ रहा है। मैं दोबारा से इस डेटा को यहां से करता हूं कॉपी और नीचे मैं इसको कंट्रोल वी से यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हैज एरर आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ एज ए वैल्यू आपका डेटा पेस्ट हो, यहाँ पर कोई फॉर्मूला ना लगा हो तो आप यहाँ पर आएं और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल की एक विंडो ओपन होगी। फॉर्मूले के साथ करना है, मैं सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला ना लगा हो तो आप देखेंगे सिंपल आपके यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल ऑल्ट वी के अंदर आपको अन्य ऑप्शन भी हमें वहाँ दिए हुए हैं तो आप उन ऑप्शनों का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको कमेंट को पेस्ट करना है या आपको फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आसानी से अन्य जो पेस्टिंग करने के तरीके हैं अलग अलग तरीके से आप डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम परसेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम परसेंट का प्रयोग हम डेटा को आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। पहले इस डेटा का जो बॉर्डर है उसको रिमूव कर देता हूं मैं, तो उसका जो अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। अब मैं यहाँ पर इस डेट सीट पर जो बॉर्डर अप्लाई है पहले उसको हम हटाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर का प्रयोग करके। तो यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो गया है, वो हट गया है यहाँ से। अब मुझे दोबारा बॉर्डर अप्लाई करना है, वो भी आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम परसेंट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया है। और इनसाइड बॉर्डर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट के ऊपर ही आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। और जब आपको रिमूव करना हो शॉर्टकट तरीके से तो कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो आपका जो बॉर्डर है यहां से वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग प्राय हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करता हूँ
तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल सेमी कॉलन। कंट्रोल सेमी कॉलन का प्रयोग हम आज जो सिस्टम की करंट डेट है उसे इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो डेट है करंट डेट वो आपकी इंसर्ट हो गई है। आप चाहते हैं टाइम को इंसर्ट करना तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहां पर जो करंट टाइम चल रहा होगा सिस्टम में वो आपके सेल में इंसर्ट हो जाएगा, जो कि आप माल आने की माल जाने की आप एंट्री करते हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट तरीके से अपडेट और टाइम को लाना चाहते हैं इन और आउट के, तो ये शॉर्टकट्स आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम आएंगे। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है कि किस तरीके से हम एक्सेल शॉर्टकट्स का प्रयोग करके अपने काम को और भी तेज़ी से कर सकते हैं।